समर में गव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर वरदान होता है, सृजन में चोट खाता है जो छनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कई भगवान होता है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव नंदन बायोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वही पोलन ग्रेन्स क्या है, कैसे बनते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्लावर को, कंप्लीट कर चुके हैं स्टेमन को, कंप्लीट कर चुके हैं और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन क्या है। नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स का बनना, कहां से बनेगा पोलन ग्रेन्स, तो हमने देखा था स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू कहां होता है, थीका में, थीका के सेंटर में पाया जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। देखा क्यों थका रहा है, तो इसीलिए थीका, मैंने बताया था एक डायलॉग, उसके आप उसको लिंक करके आप याद कर सकते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की आप डेफिनेशन कैसे देंगे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स फ्रॉम टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स। इसका दूसरा नाम क्या, माइक्रोस्पोर का, पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स का बनना किससे, स्पोरोजिनस टिश्यू से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स का जो बनना, ये जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आता है माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन क्या है, इट रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेट्स इसके अंदर होते हैं, किसके अंदर, पोलन ग्रेन्स के अंदर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। कौन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, पोलन ग्रेन्स। अब एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच, जिसमें हम स्टडी करते हैं पोलन ग्रेन्स का, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम क्या कहेंगे, पोलनोलॉजी। पोलनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन का स्टडी करना, उसको हम क्या कहेंगे, पोलनोलॉजी। अब देखेंगे कि हमारा माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन्स कैसे बन रहा है, पोलन ग्रेन्स कौन सी कंडीशन में होता है, क्या ये डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड होता है, या कौन सा डिवीजन होगा इसमें, मियोसिस डिवीजन से बनेगा या माइटोसिस डिवीजन से ये बनेगा, कौन, पोलन ग्रेन्स। तो दोस्तों पहले हमारा वाला कौन सा था, स्पोरोजिनस सेल्स, जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो पाई जा रही थी वो हमारी कौन सी थी, स्पोरोजिनस सेल्स। तो सबसे पहली वाली कौन सी आती है, इनर स्पोरोजिनस सेल्स। डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉयड, बोले तो टू एन कंडीशन की होती है, एन कंडीशन की, ये हमेशा टू एन कंडीशन की होती है, टू एन कंडीशन मीन्स डिप्लॉयड कंडीशन की होती है। इनमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन से ये अपने नंबर्स को, अपनी संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगी और ये क्या बनाएंगी फिर, पोलन मदर सेल, पोलन या पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल कह लीजिए या माइक्रोस्पोर मदर कह लीजिए, पोलन मदर सेल कह रहे हैं तो पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, एमएमसी कहेंगे। अब ये इसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होगा। पोलन मदर सेल में
माइक्रोस्पोर मदरसन में कौन सा डिवीजन होगा? म्यूसिस। बोले तो इसमें माइटोसिस हो रहा था, तो पहले हमारी टू एन कंडीशन थी, डिप्लॉइड कंडीशन थी। माइटोसिस डिवीजन के होने के बाद कंडीशन कौन सी रहेगी? डिप्लॉइड कंडीशन ही रहेगी, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जितने पहले होंगे उतने ही हमारे बाद में होंगे, लेकिन म्यूसिस डिवीजन होने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। जरा देखें क्या कौन सी सेल बनेंगी अब हमारी, पॉलन ग्रेन्स। एन टेट्राड, पॉलन ग्रेन्स में टेट्राड का क्या मतलब है भाई? अरे भैया टेट्राड का मतलब फोर, वन टू थ्री चोर फोर। पॉलन ग्रेन्स चार कंडीशन में होता है, म्यूसिस डिवीजन होने के बाद कौन कितनी सेल्स बनती है? देयर आर फोर सेल्स आर फॉर्मड आफ्टर म्यूसिस डिवीजन कंप्लीटेड। म्यूसिस डिवीजन होने के बाद चार सेल्स बनती हैं। देखिए कंडीशन म्यूसिस डिवीजन होने के बाद कौन सी होगी? हैप्लोइड रहेगी, डिप्लोइड रहेगी। कंडीशन म्यूसिस डिवीजन के होने के बाद हमेशा हैप्लोइड कंडीशन की रहती है, बताया था स्पेशल वीडियो में मैंने। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ जाएगी? एन कंडीशन आ जाएगी। यहाँ डिप्लोइड कंडीशन थी तो हमारी यहाँ पे हैप्लोइड कंडीशन आ जाएगी। पोलन ग्रेन्स जो है अब टेट्राड की कंडीशन में आ गए, यानी फोर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, चार पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं। अब ये चार पोलन ग्रेन्स जो है अपने आप से सेपरेट होंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बनेगा यहाँ पे। अब पोलन ग्रेन्स जो पोलन ग्रेन जो चार कंडीशन में थे, यहाँ पे पोलन ग्रेन अकेला हो गया, क्योंकि चारों जो टेट्राड फॉर्म में थे वो अलग अलग हो गए, तलाक हो गया। बताएंगे कैसे तलाक होता है, चारों का कैसे अलग अलग होते हैं। तो आप पोलन ग्रेन ले रहे हैं, अब यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा मैं दोबारा पोलन ग्रेन को लिख के दोबारा टेबल बना रहा हूं इसकी। पॉलन ग्रेन है कौन सी कंडीशन में है? हैप्लॉइड कंडीशन में है। अब इस पॉलन ग्रेन में अनइक्वल अनइक्वल माइटोसिस हो जाएगी। अनइक्वल माइटोसिस का मतलब है दो सेल्स बनेंगी और दोनों एक बड़ी बनेगी और एक छोटी बनेगी। जो बड़ी सेल्स होती है हम उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ये यहाँ पर एन कंडीशन है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे भी एन कंडीशन आएगी। और इसका दूसरा नाम क्या है? ट्यूब सेल। दूसरा नाम इसका हम क्या कह सकते हैं? ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल। ये लार्ज सेल होती है, लार्ज होती है। और दूसरी वाली क्या बनेगी? जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल जो है ये हमारी स्मॉल होगी, और ये भी हमारी कैसी कंडीशन में होगी? एन कंडीशन में होगी, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस डिवीजन अगर पहली एन कंडीशन है तो बाद में भी एन कंडीशन बनेगी, और अगर पहली टू एन कंडीशन है तो बाद में की भी टू एन कंडीशन ही बनेगी। अब जनरेटिव सेल में अगेन माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद मेल गैमेट बनेगा, ये भी एन कंडीशन का बनेगा, दूसरा भी मेल गैमेट बनेगा, ये भी एन कंडीशन का बनेगा। तो हमारी जो सेल्स होगी, ये सेल है पोलन ग्रेन की, इसमें अंदर ही अंदर अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन हुआ। एक तो बड़ी सेल बनी जो हमारी बड़ी सेल में रहेगी, इसमें यही सेल बड़ी सेल को रिप्रेजेंट करेगी, जो हमारी कौन सी रहेगी? वेजिटेटिव सेल। इसका जो है न्यूक्लियस बड़ा रहता है, लार्ज न्यूक्लियस रहता है, और उसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं। दूसरी हमारी जनरेटिव सेल बनती है, जनरेटिव सेल ये होती है। तो ये जनरेटिव सेल कौन सी हो गई? ये, यानी कि बोले तो छोटी है, स्मॉल है, और ये इसका न्यूक्लियस है। और पूरी सेल इसको किसको रिप्रेजेंट करती है? पूरी सेल किसको रिप्रेजेंट करती है? वेजिटेटिव सेल को। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल फ्लोट करती है, तैरती रहती है, और जनरेटिव सेल फिर अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो दो मेल गैमेट बनते हैं, एक मेल गैमेट ऐसे हो गया और दूसरा मेल गैमेट ऐसे हो गया। तो इसमें भी, इस वाली सेल में भी अगेन माइटोसिस डिवीजन होता है, तो दो सेल्स बनती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पहले वाले को मेल गैमेट, दूसरे वाले को मेल गैमेट कहते हैं। और दोनों हमारे एन कंडीशन के होते हैं। एन कंडीशन बोले तो हैप्लॉइड कंडीशन। पहले हम बात करें तो पोलन टेट्राड की, तो पोलन टेट्राड में पोलन ग्रेन्स कैसे अरेंज होते हैं, तो इसकी हम समझ लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, एन टेट्राड,
टेट्राड कंडीशन में, टेट्राड का मतलब चार सेल्स प्रेजेंट होती है, 1 2 3 4 चार सेल प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें पोलन ग्रेन्स कैसे अरेंज होंगे। पहले वाला है हमारा एक सेल ये और पीछे की तरफ इनके एक सेल और प्रेजेंट होती है, तो चार सेल हो जाएंगे पीछे की तरफ। ये हमें दिखती नहीं, पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, लेकिन हमें तीन ही दिखेंगी, एक देखेंगे तो हमें तीन ही दिखेंगी बाहर से, एक पीछे की तरफ अरेंज होती है, तो चार सेल हमें प्रेजेंट करनी है, तीन ही हो गई, एक पीछे हो गई, चार सेल हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। दूसरी वाली इसमें चारों सेल्स दिख रही हैं, पोलन ग्रेन्स की चारों सेल्स दिख रही हैं, ऐसे हम क्या कहते हैं, आइसो बाइलेटरल। एनसीईआरटी में ये थोड़ा से मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं आपको, जो आपके लिए यूजफुल है। तो ये आइसो बाइलेटरल हो गया, एक सेल्स और ये हैं, जैसे इसमें प्रेजेंट था एक सेल पीछे होती है, ऐसे इसमें एक सेल पीछे की ओर प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं डेकुसेट। अब ये सेल्स होती हैं, वन सेल्स ये है, दो सेल्स 1 2 3 4, ये जो हमारा होगा टी शेप्ड का, टी शेप्ड की सेल होती है ये, और लास्ट में होती है लीनियर, लीनियर लीनियर बोले तो एक लाइन में प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए ये पांच तरह का अरेंजमेंट होता है हमारा, यहां पे आप यहां बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होते हैं, इसमें और इसमें होते हैं, याद रखना ये टेट्राहेड्रल है, टेट्रा का मतलब चार सेल प्रेजेंट होंगी, वो एक पीछे होगी और तीन आगे होंगी, और ये जो है तीन जो आगे दिख रही हैं ये इक्वल डिवाइडेड हैं, इक्वल पार्ट में दिख रही हैं। आइसो बाइलेटरल चारों प्रेजेंट होंगी, चारों हमारे सामने से दिख रही हैं, वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होती हुई दिख रही हैं। लेकिन डेकुसेट, डेकुसेट का मतलब होता है, डेकु का मतलब डाकू, डाकू दो आंखें ऊपर है एक मुंह नीचे है, मुंह वाला जो है उसका बड़ा है तो ये बड़ी सेल होगी, और आंखें वाली सेल्स जो होती है उसकी छोटी सेल्स होती है, तो ये छोटी छोटी सेल्स हैं। तो आप और इसमें ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं, डाकू जिसमें दो आंखें होती हैं, दो छोटी छोटी होती है, मुंह बड़ा होता है, तो ये वाली सेल्स, ये वाली देखिए मुंह बड़ा है उसका और आंखें छोटी छोटी हैं, तो हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों को। यहाँ पे इक्वल अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे दो सेल्स छोटी है और नीचे वाली सेल्स बड़ी है, तो डेकुसेट मीन्स डाकू वाली सेल्स। टी से टी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर दो सेल्स है नीचे एक लाइन हो रही है, तो इसे टी स्ट्रक्चर दिख रहा है, और सारी आप याद कर सकते हैं। और ये वाली लीनियर सेल्स है, वेन सेल्स जो है एक लाइन के फॉर्म में अरेंज होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर अरेंजमेंट। किसका लीनियर अरेंजमेंट, पोलन ग्रेन्स का। अब देखिए ये हमारा जो बन रहा है पोलन टेट्राड बन रहे हैं, ये सेल अलग है, ये पोलन ग्रेन अलग है, ये चार पोलन ग्रेन है, हर एक में चार पोलन ग्रेन होते हैं, चारों पोलन ग्रेन आपस में जुड़े हुए होते हैं, कौन सा सब्सटेंस से जुड़े होते हैं, कैलोज, कैलोज सब्सटेंस है, CALOSE, कैलोज सब्सटेंस है जिससे जुड़े हुए होते हैं, एक एंजाइम आता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम, CALLASE, कैलेज एंजाइम क्या करेगा, इस कैलोज सब्सटेंस को तोड़ देगा, जब इस कैलोज सब्सटेंस टूट जाएगा तो ये सेल्स जो है अपने आप में अलग अलग होकर भाग जाएंगे, ये अलग चली जाएगी, ये अलग चली जाएगी, ये अलग चली जाएगी, ये अलग चली जाएगी, तो सेपरेट पोलन ग्रेन्स बन जाता है। तो ऐसे ही सारी सेल्स ये आपस में अलग होकर टूट जाती हैं, तो कैलेज एंजाइम जो है कैलोज सब्सटेंस को तोड़ देता है जिससे कि हमारे पोलन ग्रेन्स सेपरेट हो जाते हैं। तो देखें, लिख लें इसको, बिल्कुल आर यू रेडी, देखिए All the four pollen grains in tetrad are covered by calyx substance. कैलोज सब्सटेंस से वो चारों जो है कवर्ड होती हैं, विच डीजनरेट
बाय टेलेज एंजाइम, टेलेज एंजाइम से उसे डिजेनरेट कर सकते हैं टू सेपरेट पॉलन ग्रेन्स, जिससे पॉलन ग्रेन सेपरेट हो जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था कैलोजी सब्सटेंस पाया जाता है जिससे के पॉलन ग्रेन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। कौन सी कंडीशन में जुड़े होंगे? टेट्राड कंडीशन में जुड़े हुए होंगे। और जब हमारा कौन कैलोज सब्सटेंस को तोड़ दिया जाता है, किसके द्वारा तोड़ दिया जाता है? कैलेज एंजाइम से तोड़ दिया जाता है, तो कैलोज सब्सटेंस टूट जाएगा, पॉलन ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे। अब वो फ्री फ्री महसूस कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद, जब वायरस खत्म हो जाएगा तो हम भी फ्री फ्री महसूस करेंगे। लेकिन मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। आपने देखा कि हमारा पॉलन ग्रेन सब सेपरेट हो चुका है। देखते हैं पॉलन ग्रेन होता क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका, दिखने में कैसा लगता है। वैसे पहले मैं आपको बता दूं, अलग अलग स्पीसीज में पॉलन ग्रेन अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में शेप अलग अलग तरह के हो सकता है, डिजाइन इनके अलग अलग तरह का हो सकता है, कलर इनका अलग अलग तरह का होता है। लेकिन एक जनरल हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नॉर्मली पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे हम समझ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यह है हमारी सेल। इस मैंने बताया था टू सेल स्टेज होती है मोस्टली। ये हमारी जनरेटिव सेल है, ये हमारी वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल को आप क्या कहेंगे? ये वाली सेल मत कह देना, ये वाली सेल जो है, पूरी वाली सेल जो है ये वेजिटेटिव सेल है, पूरी सेल ये वेजिटेटिव सेल है। और इसका ये जो पाया जा रहा है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस होता है इसका, कोई जिसका कोई शेप बिल्कुल डिफाइन नहीं होती। डिफाइन का मतलब शेप बिल्कुल जो है अलग अलग शेप का होता है, कभी शेप ऐसा बना लेगा ये न्यूक्लियस, कभी कुछ तरह का शेप बना लेगा, ये बिल्कुल स्थिर शेप इसकी नहीं होती है। तो ये वेजिटेटिव सेल पूरी है, और उसके साइटोप्लाज्म में एक जनरेटिव सेल फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। जनरेटिव सेल छोटी होती है, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है। अब इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इंटाइन। इस लेयर को हम क्या कहेंगे? इंटाइन। और इसके ऊपर भी एक और लेयर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे? इस वाली को एग्जाइन। तो इसकी जो कवरिंग हो गई, अंदर वाली कौन सी थी? एंटाइन। अंदर वाली लेयर जो है एंटाइन है, बाहर वाली लेयर हमारी कौन सी है? आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, आप ऐसे बना लें, अंदर वाली ये लेयर है एंटाइन, बाहर वाली ये है एग्जाइन। क्यों, कुछ बच्चे होते हैं ना, ऊपर लिख दिया तो बाहर हो जाएगी, कोई बात नहीं। एग्जाइन बाहर वाली लेयर और इंटाइन अंदर वाली लेयर, तो दो कवरिंग हो गई। किस पर कवरिंग हो गई? पॉलन ग्रेन की दो कवरिंग होती है। इन दोनों कवरिंग को हम क्या कहते हैं? स्पोरोडर्म। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, पॉलन ग्रेन की कवरिंग को हम क्या कहते हैं? स्पोरोडर्म। इसकी दो लेयर होती है स्पोरोडर्म की, आउटर लेयर इज कॉल्ड एग्जाइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। ये आउटर लेयर जो होती है ये हार्ड लेयर होती है, और ये बनी होती है किससे? बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। एक सब्सटेंस है, क्या है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। गजब की बात बताएं, स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन को कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, ये जबरदस्त लेयर है, इसे कोई भी एंजाइम खत्म नहीं कर सकता है। ये जो है हाई टेम्परेचर के साथ विदस्टैंड कर सकती है, हाई टेम्परेचर के साथ रह सकती है, हाई टेम्परेचर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड देंगे तो भी इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्ट्रॉन्ग हम एल्केलाई देंगे, बेस मीडियम देंगे इसको हम, तो भी इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है स्पोरोपोलेनिन, जो है बहुत ही ज्यादा प्रतिरोधक, बहुत ही ज्यादा ताकतवर ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये ज्यादा टेम्परेचर के साथ भी रह सकता है, ज्यादा एसिड के साथ भी रह सकता है, एसिड भी इसका कुछ नहीं कर सकता, बेस भी इसका कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरी वाली बात क्या है कि एंजाइम भी इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो अगर पॉलन ग्रेन इसके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन है, तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन इसमें फॉसिल्स की तरह बिल्कुल सुरक्षित है, इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अंदर वाली को, क्योंकि बाहर क्या है? स्पोरोपोलेनिन। लेकिन दुख की बात यह है,
खुशी की भी बात यह है कि ये जो है कहीं कहीं स्पोरोपोलन एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है तो यहां से इसका पोलन ग्रेन्स का कुछ बिगड़ जाएगा, तो ये दुख की बात हुई। लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि यहां से आगे पोलन ट्यूब जनरेट हो सकती है पोलन ग्रेन की। तो जहां पर ऐसे प्लेसेस, ऐसी जगह जहां पर स्पोरोपोलन यानी कि एजाइन एब्सेंट होती है उसको हम क्या कहेंगे, जर्म पोर। उसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर। और हमारे इंटाइन जो है, इंटाइन वाली मतलब अंदर वाली लेयर जो थी यहां जर्म पोर से आगे, ये यहां से जर्म पोर से ये ग्रोथ कर सकती है, बाहर की तरफ ग्रोथ कर देगी और ये क्या बना देगी यहां पे पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब बना सकती है। पोलन ट्यूब किससे बनता है, हमारी एंटेन से बनता है। अच्छा दूसरी वाली बात, एंटेन किसकी बनी होती है भाई, आप तो ये कहेंगे कि एग्जैन तो बता दी स्पोरोपोलन से बनी होती है, अब एंटेन वो भी बेचारी भेदभाव का महसूस करेगी, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कौन, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, एंटेन। तो हमारी दो कवरिंग थी, बाहर वाली एग्जाम है और अंदर वाली इंटेन है, ये पूरी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म। ज्यादातर 60% फ्लावरिंग प्लांट में, जिनमें ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर आते हैं उनमें 60% यानी एंजियोस्पर्मिक 60% प्लांट में पोलन ग्रेन दो सेल का होता है, एक सेल वेजिटेटिव सेल होती है और दूसरी सेल हमारी कौन सी होती है, जनरेटिव सेल होती है। तो टू सेल स्टेज की कंडीशन में होता है, लेकिन रिमेनिंग स्पीसी यानी कि जो बच रही है स्पीसी 40% स्पीसी में जनरेटिव सेल भी डिवाइड हो जाती है और क्या बनाती है, दो मेल गैमेट बना देती है। जनरेटिव सेल यानी टू जनरेटिव सेल्स पाई जाती हैं, टू जनरेटिव सेल्स पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती है, फोर सेल 40% स्पीसीज में। तो हम कह सकते हैं 60% स्पीसीज में पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज का होता है, वन वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड इज जनरेटिव सेल। लेकिन 40% स्पीसीज में पोलन ग्रेन थ्री सेल स्टेज का होता है, दो जनरेटिव सेल होंगी और एक वेजिटेटिव सेल होगी। अब देखते हैं कि इसका डिफाइन क्या है, इसके बारे में लिखते हैं जो आपने अभी समझा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था पोलन ग्रेन जनरली गोलाकार होते हैं, तो आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट, इट इज जनरली स्फेरिकल। स्फेरिकल मीन्स गोलाकार होते हैं, अबाउट कितने बड़े होते हैं, 25-50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आप ऐसे बनाओगे ये स्ट्रक्चर, तो ये 25-50 माइक्रोमीटर के होते हैं इनका जो आकार है, और ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, पोलन ग्रेन्स गोल जैसे होते हैं। अच्छा दूसरा वाला बात, इसका एक हमने समझा था इसमें स्पोरोडर्म, एक टर्म हमने समझा था पहले स्पोरोडर्म, ये क्या है, इट इज कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स की कवरिंग को हम क्या कहते थे, स्पोरोडर्म। इसमें कितनी लेयर होती थी, इसकी कितनी लेयर होती थी, तो ऐसे यहां पे लिख सकते हैं, इट हैज टू लेयर्स, दो लेयर होती थी, पहली वाली कौन सी थी, एग्जाइन, और दूसरी वाली कौन सी थी, हमारी इंटाइन। ये किसकी लेयर थी, हमारी स्पोरोडर्म की। स्पोरोडर्म हमारी कौन सी लेयर है, कवरिंग लेयर है, जो पोलन ग्रेन को कवर करती है। अब हमारा पहला वाला आ रहा है एग्जाइन, एग्जाइन के बारे में देखते हैं भाई। ये मैंने आपको बताया था इसमें स्पोरोपोलेनिन होता है, स्पोरोपोलेनिन होगा तो इसका मतलब ये हार्ड होता है। तो एग्जाइन आप हेडिंग डालेंगे फर्स्ट, ए एग्जाइन, इट इज आउटर हार्ड लेयर। दूसरा पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन से बन रहा है। तीसरा वाला पॉइंट, स्पोरोपोलेनिन इज मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल विच विदस्टैंड
टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्केलाइन। ये जो है स्पोरोपोलेन इन मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, हाई रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध करता है। उसके साथ साथ रह सकता, किसके साथ भी रह सकता है, ये टेम्परेचर के साथ भी रह सकता है, टेम्परेचर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं एल्केलाई रीजन, एल्केलाई जो है मटेरियल इसका कुछ बिगाड़ सकता है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, स्पोर पोलन इनको कोई एंजाइम भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई भी एंजाइम इसका बिगाड़ नहीं सकता है। देयरफॉर इसलिए पोलन ग्रेन्स जो होते हैं हमारे फॉसिल्स की तरह बिल्कुल प्रिजर्व होते हैं। पोलन आर पोलन इज वेल फॉसिल नहीं है, कई सालों तक हजारों सालों तक ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, ऐसे ही पोलन ग्रेन्स फॉसिल्स की तरह बिल्कुल प्रिजर्व होते हैं क्योंकि स्पोरोपोलन उसके आसपास है। अब आता है जर्मपोर। जर्मपोर किसे कहते हैं, जहां पर पोलन ग्रेन ये की आउट वाली लेयर यानी एक्जन एब्सेंट होती है। सम प्लेसेस एब्सेंट इज, कुछ प्लेसेस पे एग्जन हमारी जो होती है एब्सेंट होती है, तो दीज रीजन्स ऐसे प्लेसेस, ऐसी जो जगह होती हैं, दीज रीजन्स आर कॉल्ड जर्म पोर। ऐसे रीजन जर्म पोर्स कहलाते हैं। अगर मान लीजिए एक जगह पे एक जर्म एब्सेंट है, बाकी सब पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एक जर्म पोर है, और दो जगह पे एब्सेंट है पूरे में, बाकी सब पूरी जगह प्रेजेंट है, तो उन दो जहां पे एब्सेंट है ऐसी जगह उनको हम क्या कहेंगे, जर्म पोर। अब आता है हमारा इंटर्न वाला रीजन। इंटर्न का मतलब आप जानते थे अंदर वाली लेयर थी, एग्जन के जो नीचे पाई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर्न। जो लेयर एग्जन के नीचे पाई जा रही है बी वाला था, इंटर्न, इट प्रेजेंट पहली बात एग्जाम के नीचे प्रेजेंट होती है, दूसरी वाली बात इट इज थिन, एग्जाम की अपेक्षा पतली होती है, इट इज थिन एंड ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन इट प्रोट्रूड, PROTRUD, प्रोट्रूड मीन बाहर डेवलप हो जाना, बाहर ग्रोथ करना, इट प्रोट्रूड थ्रू जर्म पोर। भाई जर्म पोर से ही तो बाहर ग्रोथ होगी, क्योंकि और जगह से तो बाहर निकल ही नहीं सकती, क्योंकि कठोर आवरण प्रेजेंट है किसका, एग्जाम का, तो जहां जहां एग्जाम एब्सेंट होती है वहीं को तो हम क्या कह रहे हैं, जर्म पोर। तो ये जर्म पोर से बाहर डेवलप होती है, बाहर ग्रोथ करती है एंड गिव राइज पोलन ट्यूब, और क्या बनाती है आपकी, पोलन ट्यूब बनाती है। पोलन ट्यूब अगर आ जाए तो किससे बनती है, इंटर्न से बनती है। इट इज मेड अप ऑफ
ये किससे बनती है? बताया था सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन से ये बनती है। कौन बनती है? हमारी इंटेन बनती है, अंदर वाली लेयर। अब बात आती है, एक बार क्या हुआ था, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे और जब भी प्रिंसिपल सर क्लास में आते हैं तो उन्होंने एक बच्चे को खड़ा करके पूछा और प्रिंसिपल सर ने बोर्ड पर क्या लिख दिया, फर्नीचर की स्पेलिंग लिख दी। तो बच्चे से पूछा कि क्या है, क्या है भाई? बच्चों ने कहा कि फर्नीटोरे है। दूसरे बच्चे से पूछा, उसने भी फर्नीटोरे बताया। फिर उन्होंने नेचर की स्पेलिंग लिख दी। हो सकता है फर्नीचर को वो समझ नहीं पा रहे, फर्नीटोरे कह रहे हो, फिर नेचर की स्पेलिंग लिखी प्रिंसिपल सर ने। तो फिर अगले वाले बच्चे को पूछा कि भाई ये क्या है, तो उसने कहा नेटोरे। उसने कहा प्रिंसिपल ने कहा नेटोरे? बच्चे ने कहा हाँ सर बिल्कुल नेटोरे है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि ये नालायक जो बच्चे हैं पढ़ते नहीं है, ये तीन बच्चे क्लास से बाहर चले जाएं, इनको सस्पेंड करेंगे हम। लेकिन जब ही क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे थे वो इंग्लिश के टीचर थे और उन्होंने कहा कि अरे नहीं सर नहीं रुक जाइए, कि क्यों रुक जाएं, प्रिंसिपल ने कड़के क्या, हम प्रिंसिपल है ना, क्यों रुक जाएं। तो जब ही क्लास टीचर जो इंग्लिश वाले थे जो क्लास में पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा अरे सर रुक जाइए नहीं तो बच्चों का फटूरे खराब हो जाएगा, प्रिंसिपल ने समझा अब जब यहाँ पर टीचर ही फ्यूचर को फटूरे कह रहा है तो बच्चे नेचर को नटूरे और फर्नीचर को फर्नीटोरे क्यों नहीं कहें। उसके बाद नमस्कार हो गया। किससे नमस्कार हो गया? उस टीचर से, जाओ आपको सस्पेंड। सर मैंने पहले बताया पोलन ग्रेन 60% में टू सेल स्टेज का होता है, 40% में थ्री सेल स्टेज का होता है, जरा उसको भी लिख लें। मैच्योर पोलन ग्रेन एज टू सेल स्टेज इन 60% एंजियोस्पर्म्स। टू सेल स्टेज का मतलब वन सेल कौन सी थी हमारी, चलो आप लिख लेना वैसे, वन सेल कौन सी थी, एक वेजिटेटिव सेल थी, दूसरी वाली सेल कौन सी थी हमारी, जनरेटिव सेल थी। ये टू सेल स्टेज का होता है बट इन 60% का मतलब 60% के बाद जो बचती हैं पोलन ग्रेन एज थ्री सेल्ड स्टेज, पोलन ग्रेन थ्री सेल्ड स्टेज का होता है जो बच रही है, रिमेनिंग स्पीसीज जो बच रही है स्पीसीज 40% उनमें थ्री सेल्ड स्टेज का होता है। थ्री सेल्ड स्टेज का मतलब वन वेजिटेटिव सेल होती है और टू जनरेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल दो कैसे बनी, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हो गया पहली वाली जनरेटिव सेल में, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात आती है हमारी पोलन एलर्जी की। देखिए हम पहले जब गेहूं हमारे यहाँ पूरा देश में सफिशियंट नहीं होता तो हम बाहर से गेहूं मंगाते थे, बाहर से गेहूं हम इंपोर्ट करते थे। तो उस वक्त हमें एक पार्थेनियम या कैरेट ग्रास उसमें गेहूं के साथ मिली हुई आई और वो जब बढ़ती है तो उसके पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो हवा में एनिमोफिलस पॉलिनेशन होता है, हवा में बहुत हल्के होते हैं पोलन ग्रेन्स और जब हमारी बॉडी के अंदर भी आते हैं तो हमें एलर्जी करते हैं, कभी कभी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कर देते हैं या अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये भी हमारी बीमारी पैदा करते हैं। तो इसे हम कहते हैं पोलन एलर्जी। कुछ स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स एलर्जी भी क्रिएट करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी क्रिएट करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे पोलन एलर्जी। वो एलर्जी कब करेंगे, जब हमारी बॉडी में सांस के द्वारा अंदर चले जाएंगे। सम स्पीसीज ऑफ पोलन ग्रेन कॉज some species of pollen grains cause allergies
एलर्जी पैदा करते हैं एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सांस संबंधित परेशानी भी, सांस संबंधित बीमारी भी वो हमारे कॉज करते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एज क्या हो सकता है वो, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ईटीसी। एग्जाम्पल है, ऐसी स्पीसी कौन सी है मोस्ट ऑफ में, पार्थेनियम। इसका लोकल नेम हमारा क्या है, कैरेट ग्रास। पार्थेनियम को कैरेट ग्रास भी हम कहते हैं। पॉलन प्रोडक्ट्स, पॉलन प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कुछ पॉलन ग्रेन्स को हम खा भी सकते हैं, हम न्यूट्रिशन में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो घोड़े हॉर्स जो रेस में काम आते हैं उनको भी हम पॉलन ग्रेन्स को देते हैं। किस फॉर्म में देंगे, टेबलेट बना के दे देंगे या सिरप बना के दे देंगे, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होती है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप पॉलन प्रोडक्ट हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं एंड आर टेकन एज टैबलेट्स, सीरप्स, सीरप और टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं इनको, टू एनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, एनहेंस का मतलब बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं एंड रेस हॉर्स, जो घोड़े जो रेसिंग में काम आते हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम इनको लेते हैं। अब आता है पॉलन वियबिलिटी, पॉलन वियबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉलन वियबिलिटी का मतलब क्या होता है, एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकला, एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकला और कहां पर जाएगा, वो स्टिग्मा पर जाएगा और स्टिग्मा पर जाके जर्मिनेट हो जाता है। अब बात आती है कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकला वो कितने टाइम में स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलने के बाद वो कितने समय तक जिंदा रहता है। अगर मान लीजिए किसी की पॉलन वियबिलिटी जो है वो आधे घंटे, यानी कि एंथर से निकलने के बाद वो आधे घंटे तक ही जिंदा रहता है, आधे घंटे तक ही जिंदा रहता है और वो स्टिग्मा पे पहुंच रहा है एक घंटे बाद, तो क्या पॉलन ग्रेन्स वहां पे जर्मिनेट होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जर्मिनेट नहीं होगा। तो पॉलन वियबिलिटी उसे कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहता है, कितनी देर तक उसकी एबिलिटी है कि वो जर्मिनेट हो सकता है, कितनी देर तक जर्मिनेट हो सकता है, कितनी देर तक अपने आप को जिंदा रख सकता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, पॉलन वियबिलिटी कह रहे हैं। इट इज अ पीरियड, इट इज पीरियड इन विच पॉलन ग्रेन रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट, उसमें एबिलिटी कितनी देर तक है जिससे वो जर्मिनेट हो सकता है, तो इसकी एबिलिटी को ही हम क्या कह रहे हैं, पॉलन वियबिलिटी। तो यहां पर पॉलन वियबिलिटी को ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पे। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो पॉलन ग्रेन बहुत जल्दी सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर मिनिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर है 20-25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव करेगा, पॉलन ग्रेन्स की वियबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही ह्यूमिडिटी कम है तो पॉलन ग्रेन्स जो है
कम देर तक सर्वाइव करेगा, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो पोलन ग्रेन्स भी खूब सर्वाइव करता है। तो अब देखेंगे इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है? पोलन ग्रेन डिपेंड करता है। अब आता है पोलन ग्रेन की वियबिलिटी जो होती है। पोलन वियबिलिटी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि सब में एक जैसी हो। जैसे आप राइस और वीट को ले रहे हैं, चावल और गेहूं को ले रहे हैं, इसके पोलन ग्रेन की वियबिलिटी कितनी है? मात्र 30 मिनट्स। और अगर हम आप सोलनेसी, जैसे हमारा पोटैटो पोटैटो है, रोजेसी फैमिली के मेंबर्स को लेते हैं, जैसे हमारा रोज है, गुलाब है, और सोलनेसी फैमिली को लेते हैं जैसे पोटैटो आपको बताया था, और लेगुमिनेसी फैमिली को लेते हैं जैसे पल्सेस दालें हैं, उनकी पोलन ग्रेन की वियबिलिटी मंथ तक हो सकती है, कई महीनों तक भी उनकी पोलन ग्रेन की वियबिलिटी हो सकती है। तो अलग अलग स्पीसीज की पोलन ग्रेन की वियबिलिटी अलग अलग होती है। तो आप लिख सकते हैं पोलन वियबिलिटी वेरीज डिफरेंट वेरी इन डिफरेंट स्पीसीज सच एज, जैसे इट मे बी 30 मिनट्स 30 मिनट हो सकती है, 30 मिनट्स ऑफ राइस एंड वीट, गेहूं और चावल की में पोलन ग्रेन्स की वियबिलिटी कितनी है? 30 मिनट्स। एंड इन केस ऑफ सम मेंबर्स ऑफ Some members of Solanaceae family, जैसे मैंने potato वाली बताया था, potato आता है इसमें, Rosaceae family, rose जिसमें आता है, and Solanaceae, Rosaceae and Leguminaceae family के कुछ members में ये मंथ तक हो सकती है। इट कैन बी फॉर मंथ्स, कुछ मंथ तक भी हो सकती है। इट कैन बी फॉर मंथ, महीनों तक भी हो सकती है। अब बात आती है क्या इसकी वियबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं? डेफिनेटली, अगर हमें इसे टेम्परेचर बहुत कम पे रख दिया जाए, बहुत ही कम पे रख दिया जाए, लिक्विड नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसे रख दिया जाए, तो हम इस पोलन की वियबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। पोलन कैन स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 190 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन नाइट्रोजन में भी इसको पोलन ग्रेन्स को हम रख देते हैं इन पोलन बैंक्स। पोलन बैंक्स मीन्स अलग अलग तरीके के पोलन ग्रेन्स उसमें रखे हुए हैं। फिर हम उनको किसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किसी चीज को हम बहुत ही कम टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रायो प्रिजर्वेशन कह सकते हैं। तो ये था हमारा पोलन ग्रेन्स। पोलन इसमें हमने क्या जाना था? पोलन ग्रेन्स कैसे बन रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कैसे बन रहा है हमारा, उसके बाद स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का हमने जाना था, और पोलन ग्रेन्स की एलर्जी को जाना, पोलन एलर्जी को जाना था, पोलन प्रोडक्ट्स को जाना था, पोलन वियबिलिटी को जाना था। तो हमने ये सारी चीजों को जाना, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बात याद रखना, जिंदगी में मेहनत ही सब कुछ होती है। मेहनत करोगे आप तो हीरे बनोगे, चमकोगे आप, दुनिया आपको सलाम करेगी। जो आगे बढ़ता, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, सभी उसको नमस्कार करते हैं। तो आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू।